कौन सा लेक्चर है जी आज? अच्छा, लेक्चर नंबर बताएं आप, छोड़ें। जो हमारा वैसे लेक्चर है वो 14 है, ठीक है। कल हमने नोट बनाना शुरू किया था और नोट के साथ दुमे अटैच करना शुरू की थी, और दो दुमे अटैच करने के बाद बाकी दो को सिर्फ लिख के छोड़ दिया था। पहले बात उसकी कंप्लीट करते हैं, ठीक है जी। अगर एसेट रिवैल्यू नहीं हो रहा तो जो नोट हमने बनाया था उसके नीचे जो तीन चीज़ें लिखी थी ये तो लाजमी हुआ करेंगी, क्योंकि अगर फिक्स एसेट्स कैजुअल यानी नोट बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है डेप्रिसिएशन भी हो रही है, किसी न किसी मेथड के तहत हो रही है, उसके ऊपर रेट भी कोई लग रहा है, मॉडल कॉस्ट रिवैल्यूएशन नहीं तो कॉस्ट यूज़ हो रहा है, तो ये तीन चीज़ें तो बहरहाल लिखनी ही लिखनी है, ठीक है। तो जो सब नोट वन था, जो पहली दुम थी, वो तो बहरहाल हर नोट के साथ अटैच करेंगे। उसके बाद अगली दो दुमें जो थी 22.2 और 22.3, ये कब अटैच होती हैं? जब रिवैल्यूएशन हो। सवाल में रिवैल्यूएशन होगी तो कहेंगे ना, लास्ट रिवैल्यूएशन हैज बीन परफॉर्म्ड ऑन फलां डेट बाय फलां बंदा एंड इंडिपेंडेंट वैल्यूअर। रिवैल्यूएशन होगी तो हम कहेंगे ना, हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन, अगर ना होती रिवैल्यूएशन तो कॉस्ट लेस एक्यूमुलेशन WDV कितनी आ रही होती, ठीक है। तो ये दोनों सब नोट्स कब आया करेंगे? जब रिवैल्यूएशन हुआ करेगी। तो ये दूसरा जो नोट था, शॉर्टकट से भी बन सकता है, लेकिन वो शॉर्टकट की बात फिर करेंगे, आसानी से समझ आ जाती है बात अगर हम डिटेल से कर लें एक बार। अज्यूम कर रहे हैं रिवैल्यूएशन नहीं है, ऐसे ही है ना, तो आप मुझे बताएं, अगर रिवैल्यूएशन ना हो, अगर रिवैल्यूएशन ना हो तो वही वाला नोट बनता है जो पहले दिन हमने हैंडआउट एक के ऊपर दो क्वेश्चंस सॉल्यूशंस के नोट बनाए थे, याद आ रहा है? रिवैल्यूएशन नहीं थी तो क्या कुछ आया था? ओपनिंग बैलेंस, एडिशन, डिस्पोजल और क्लोजिंग। फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ओपनिंग बैलेंस प्लस डेप्रिसिएशन लेस डिस्पोजल इज इक्वल टू क्लोजिंग और रिटर्न डाउन वैल्यू निकल आई। शॉर्टकट बताऊंगा एक आध दिन में किसी सवाल में, फिर जब रिवैल्यूएशन आएगी तो सब नोट बनाते हुए हम सिर्फ लिख लिया करेंगे कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वर्किंग करना सीख लेंगे। फिलहाल तो दो मिनट लगा लेंगे, लेकिन एक काम आसानी से हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। दो साल का नोट बन रहा था तो ये सब नोट भी दो साल का ही बना लेते हैं, 31 दिसंबर 2018 और 31 दिसंबर 2017। सत्रह के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है जी। अच्छा, अगर को वर्किंग्स करनी हो तो प्लीज़ अपने नोट और सब नोट्स से अलग उनको अच्छे तरीके से आपने इलस्ट्रेट करना है, लिखना है। वर्किंग और नोट अलग अलग नज़र आना चाहिए क्लियरली। जैसे ओपनिंग बैलेंस, अगर एसेट कभी रीवैल्यू नहीं हुआ तो 31 दिसंबर 2017 पे क्या पड़ा होगा? कॉस्ट कितनी? 500 थी कॉस्ट, ओके। कोई एडिशन हुआ था, कोई डिस्पोजल हुआ था, क्लोजिंग बैलेंस 500, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अगर कभी एसेट नहीं रिवैल्यू हुआ तो 1 जनवरी 2015 को खरीदा गया था ये, 31 दिसंबर 2015 तक, 16 तक, 17 तक, 500 की कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ कितनी थी? 10 साल, 1 साल की डेप्रिसिएशन इनटू
31 सितंबर 17 तक निकाल ली आपने या 16 तक निकाली है? हाँ, 1 जनवरी 15 से 31 सितंबर 15 1 साल, फिर 31 सितंबर 16 2 साल, तो 1 जनवरी 17 पे 31 सितंबर 16 का क्लोजिंग आएगा ना, तो हमने यहाँ पे 1 साल की डेप्रिसिएशन वर्किंग डिटेल कर दी ना। अगर हम डायरेक्ट कर रहे होते, क्लोजिंग ही निकाल रहे होते, तो 3 ही लेते। शॉर्टकट में यही काम सिखाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है? तो ओपनिंग निकालनी है, कितने साल की डेप्रिसिएशन? 2 की। कितनी डेप्रिसिएशन? शॉर्टकट में हम डायरेक्ट 150 निकाला करेंगे, ये मूवमेंट शो नहीं करेंगे, क्लोजिंग ही लिखा करेंगे। कॉस्ट भी एक ही दो फिगर्स देख के WDV लिख देंगे, पर फिलहाल डिटेल से समझ लें ताकि बात पूरी समझ आ जाए। तो कितनी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर? डेप्रिसिएशन 500 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 50 जी। कोई डिस्पोजल इस साल में हुआ था? नहीं हुआ था। क्लोजिंग बैलेंस 150 और WDV 350। हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन, भाई अगर रिवैल्यूएशन नहीं होनी थी तो एसेट ने कॉस्ट पे पड़ा होना था, कॉस्ट पे पड़ा होना था, और डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ ईयर एंड तक हमारे पास इसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पड़ी होनी थी। ठीक हो गया? चले, अब यही क्लोजिंग ओपनिंग बनाया हमने, ये क्लोजिंग ओपनिंग बना लिया हमने, ओके। उसके बाद कोई एडिशन? डिस्पोजल है। 18 के साल में अब क्या करें? स्टार तो पहले ही लगेंगे, तो बढ़ते जाएंगे, डिब्बे लगा लेते हैं। डिब्बा नंबर 1, ठीक है। डिस्पोजल की कॉस्ट चाहिए ना हमें, देखें जी 500 टोटल कॉस्ट है, रीवैल्यू तो कभी हुए नहीं, डिवाइड बाय 10 किया तो एक बिल्डिंग की कॉस्ट आ गई, इनटू कितनी बिकी थी? 4। 200 क्या आ गई जी? डिस्पोज होने वाले एसेट्स की कॉस्ट। रीवैल्यूएशन तो है नहीं कि ट्रांसफर आए या सरप्लस लॉस आए, कितना बच गया? 300, ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर वर्किंग याद है भाई, बचपन वाली। ये बहुत डिटेल से कर रहा हूँ ये काम, डिटेल से नहीं करेंगे, शॉर्टकट बनाएंगे इंशाल्लाह, एक आध जुमला लिख के काम चला लिया करेंगे, पेपर में इतना काम कौन करे। रिक्वायरमेंट है सिर्फ इतनी सी बात लिखना, 22.3 लिख के ऊपर वाली अंग्रेजी लिख के नीचे लिखना, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन WDV, दैट्स इट। तो ये तफसील नहीं लिखेंगे, आज पहला दिन है, लिख लें, ठीक है जी, समझ आ जाएगी ना बात की। तो उसके बाद फिर शॉर्टकट बनाएंगे जी। डबल बॉक्स कुछ भी आप कर सकते हैं यहाँ पे रेफरेंसिंग, ठीक है। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर निकालने लगे, ऐसे ही है। सबसे पहले निकला करता था ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, तो कितने थे ओपनिंग एसेट्स? देखें 500, डिस्पोज कितने हो गए? 200 नजर आ रहा है वर्किंग में, ठीक है जी। जो बकाया 300 बचा उसको डिवाइडेड बाय 10 कर लें या इनटू 10% कर लें, एक ही बात है ना जी, ठीक है, रखते हैं और सही है, 10% कर दें या डिवाइडेड बाय 10 कर दें, एक ही बात है ना। एक साल की डेप्रिसिएशन आ गई भाई, ओपनिंग पे एक साल की डेप्रिसिएशन लेनी है। 300 और 500 में से 200 निकल गया, तो 300/10 कितना बनता है? 30। उसके बाद कोई एडिशन है? अगर होता तो उसकी डेप्रिसिएशन यहां आ जाती। कोई डिस्पोजल है? बिल्कुल है, डिस्पोजल इधर देखें 200 है, ये डिवाइडेड बाय 10 एक साल की डेप्रिसिएशन इनटू 3/12 कितनी आ गई? टोटल डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 35। ये सब कुछ शॉर्टकट से करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन एक आध दिन बाद जाके बात पूरी तफसील समझ आ जाए ना कि असल मकसद क्या है यहाँ पे शो करना। नोट के अंदर तो रीवैल्यूड अमाउंट आ रही है, लेकिन ये तो क्या हम दोबारा नोट बनाने लग जाएंगे? ऐसा नहीं करेंगे, पर आज समझने के लिए तफसील से कर रहे हैं, ओके। तो
तो आज टेस्ट में बेशक ऐसे ही कर लीजिएगा, कोई नहीं। 18 नंबर के लिए मैंने आपको 40 मिनट दिए हैं तकरीबन, ठीक है। हाँ 45 तो टोटल टेस्ट के हैं ना, ठीक है। कितने बच्चों ने टेस्ट दे लिया वैसे? हम बाकी भी दे लीजिएगा, क्योंकि कल क्लास में नहीं आने दूंगा, और कल क्लास में एंड ऑफ द ईयर इवैल्यूएशन का एक आधा नोट भी बनेगा, उसके बाद मिड ऑफ द ईयर इवैल्यूएशन भी करेंगे, या हो सकता है इन दोनों में से एक काम करके टेस्ट ही डिस्कस हो जाए। टेस्ट डिस्कस करके मिड ऑफ द ईयर इवैल्यूएशन कर लें, एंड ऑफ द ईयर का बाद में भी नोट बन सकता है। तो नुकसान अच्छा खासा होगा इंशाल्लाह आप लोगों का, अगर आपने टेस्ट ना दिया तो। मेरी क्लास में टेस्ट दिए बगैर आप लोगों ने नहीं तशरीफ लानी, ठीक है जी। अब टीए मुझे ऐसे ऐसे करके देखता है जब मैं ऐसी बात करता हूँ, कई जात में नंद कहता होगा, चले छोड़े, ठीक है। नहीं, चलते हैं आगे जी। 35 डेप्रिसिएशन आ गई, उसके बाद डिस्पोजल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालनी है, वो तो कोई मसला नहीं है। ये तकोन बना देते हैं, चैलेंज मैं बस ये स्टार और ये डिब्बे और ये ट्राइंगल बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि बिल्कुल मिक्स नहीं करना, कि ये नोट में तो फिर 2.1 2.2 2.3 आ रहे थे, मैंने वो नंबर भी इसलिए नहीं लगाया कि किसी भी तरह से ये वर्किंग्स हैं, हेडिंग बनाओगे ऊपर वर्किंग, किसी भी तरह से इसको नोट के अंदर शामिल नहीं कर लेना, नोट का हिस्सा गलती से ना बन जाए। क्लियरली हेडिंग बनी हो ऊपर वर्किंग, यहाँ पे लिखा होना चाहिए ये वर्किंग्स, बस मैंने लिखा हुआ है, मुझे नजर आ रहा है वर्किंग्स, ठीक है। वर्किंग्स की हेडिंग के बाद आप 1 2 3 बेशक कर लें, बात समझ आ रही है? ओके जी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ, इधर देखें, डेट ऑफ परचेज है 1 जनवरी 15, डेट ऑफ सेल है 31 मार्च 18। अच्छा, अब 1 जनवरी 15 से 31 दिसंबर 15, 16 17, 3 साल और आगे 3 महीने, तो ये डायरेक्टली लिख रहा हूँ 3.25 ईयर्स आ गया। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डिस्पोजल की 200 डिवाइडेड बाय 10, ये क्या आ गई, एक साल की डेप्रिसिएशन इंटू 3.25। ये 5 फिगर्स हमने निकाली जी, 65 की डेप्रिसिएशन यहाँ से माइनस कर दें और क्लोजिंग 120 WDV आ गई। पिछली क्लास में 180 आया था, पता नहीं, मुझे लग रहा है शायद उन्होंने कुछ कर। ठीक है, ये इतनी डिटेल नहीं किया करेंगे हम, सिर्फ ये 3 लाइन में नोट, सब नोट बनाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि इसके मैक्सिमम भी हो तो 2 नंबर होंगे सवाल के अंदर, इससे ज़्यादा तो होते नहीं हैं, तो इतना काम कौन करे, ठीक है। बहरहाल आज इतना ही काम कर लीजिएगा, उससे फ़ायदा हो जाएगा। ओके, जी क्यों नहीं होगा जी, अकाउंटिंग में कौन सा याद करना होता है कुछ, एक चीज सिखा दी करें बस जाके। ये काम तो वैसे ही आप लोगों को मैंने नोट के पहले दिन सिखाया था, ये तो वो वाला नोट है, देखें जरा, वही पहले 2 सवालों वाला नोट है, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है। जी जी सारा बना, वैसे मैंने जी जी टेस्ट में जी टेस्ट में भाई, जो मैं क्लास में करवा रहा हूँ, जिन्होंने नहीं बनाया कोई बात नहीं, 1.5 नंबर कट जाएगा, कोई बात नहीं, खैर है, जिंदगी में कई नोट बनाने हैं अभी आपने, बड़े नोट बनाने हैं, ठीक है। और भाई चुप कर जाओ, कहा था क्लास के बाद टेस्ट देना, ठीक है ना, इसीलिए कहा था कि इतनी फनकारी खुद तो लगा नहीं सकेंगे। बहरहाल हैड देयर बी नो रिवेल्यूशन हेडिंग बनाई थी ना, कुछ तो करना था ना, तो करके आना था। डिटेल्स ऑफ भाई, रिवेल्यूशन हुई है तो ये बना रहे हैं, और ये कह रहे हैं यूजर को अगर रिवेल्यूशन ना होती तो ये शो होता,
रिवीजन हुई इसलिए एसिड डिफरेंट शो हो रहा है। अपने नोट में जाके देखो, नोट में जाके देखो 31 नंबर 17 पे कितनी बुक वैल्यू नज़र आ रही है, बुक वैल्यू नोट में देखो 31 नंबर 17 बुक वैल्यू नोट में देखो, जो कल नोट बनाया था 262 350। अच्छा 18 में जाके देखो, 18 में जाके देखो 180। क्या ये हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे चले हैं, ठीक है। ओके जी, दुनिया का सबसे आसान सब नोट, डिटेल ऑफ डिस्पोजल, इधर देखें कौन सा एसेट बिका, कितनी कॉस्ट या रिवैल्यूड अमाउंट थी, कितनी बुक वैल्यू WDV थी, सेल प्रोसीड्स कितनी आई, इसके नंबर नहीं एलोकेट करूंगा क्योंकि इसकी है बहुत आसान, लेकिन चूंकि इसकी हेडिंग्स नहीं बनाई थी कल तो आप लोगों के नंबर कटना नहीं बनते। इसके साथ कोशिश करनी चाहिए थी आपको शॉर्टकट में या जो भी है, तो इसके मार्क्स एलोकेट होंगे। ये जिसने बना लिया उसकी भी खैर है, जिसने नहीं बनाया उसकी भी खैर है, इस पर पनिश नहीं करूँगा। डिस्पोजल तो होगा ना आज के सवाल में इंशाल्लाह, तो फिर बहरहाल सेल प्रोसीड्स के बाद गेन या लॉस, ये मेन चीज़ें हैं। दो चीज़ें और भी आया करती हैं इस सब नोट के अंदर, नेम ऑफ बायर भी लिख दो, मोड ऑफ डिस्पोजल भी लिख दो, वो किसी दिन फिर ऐड कर लेंगे, फिलहाल इतना तो याद रख लें। क्या चीज़ बिकी है, बिल्डिंग, देखें ये लिस्ट की तरह से है, लैंड बिका, प्लांट बिका, इक्विपमेंट बिका, एक ही लिस्ट बन जाएगी, सारी डिटेल आ रही होगी। एक्चुअली आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इस तरह से ये नोट नज़र आएगा, रिक्वायरमेंट है ये लॉ की, ठीक है। बिल्डिंग जो बिकी है उनकी रीवैल्यूड अमाउंट, कॉस्ट तो नहीं है ना रीवैल्यू, अब वापस आ जाए अपने सर, ये तो सिर्फ इतनी सी बात हमने की थी, हैड देयर बीन नो रीवैल्यूएशन, मतलब के हिस्टोरिकल कॉस्ट वाली बात दिखानी थी यहाँ पे हमने, वो दिखा ली। वापस आ जाए हम सवाल, जो एसेट बिका है, जो बिल्डिंग्स बिकी हैं उनकी रीवैल्यूड अमाउंट कितनी थी, 240। उनकी बुक वैल्यू कितनी थी भाई, 9 रुपए की डेप्रिसिएशन याद है, बुक वैल्यू याद है, वर्किंग में लिखी पड़ी है, जाके देखें तो वर्किंग 2 में ये दोनों फिगर्स मिल जाएंगी आपको। सेल प्रोसीड्स 320, तो 89 का आई थिंक गेन था, गेन था, ऐसे ही है और ठीक है ना, ये सब कुछ गिवन है, सब कुछ गिवन है, सब करके आ चुके हैं, सिर्फ उठा के लिखना होता। दो चीज़ें और ऐड किया करते हैं नॉर्मली, अगर सवाल में नाम दिया हो तो नेम ऑफ बायर भी लिख देंगे, फलां बंदे को बेचा था जी, टेंडर के थ्रू बेचा था जी, या ऑक्शन के थ्रू बेचा था, लिखा हो तो वो लिख देते हैं, लेकिन फिलहाल इतना काफ़ी, ठीक है जी। ये 4 सब नोट्स नॉर्मली अभी तक आपके सामने आते रहेंगे, देखें फिर सुने एक बार, जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया वो तो लाजमी सुन लें। पूरा नोट बन गया, मेन बॉडी बन गई, जो पहली दुम है मेजरमेंट बेसिस डेप्शन मेथड यूजफुल लाइफ, ये तो मस्ट है, ये तो आनी है, चाहे कॉस्ट मॉडल भी है वो बात, कॉस्ट मॉडल लिखनी तो पड़ेगी ना, डेप्रिसिएशन मेथड भी होगा, रेट भी होगा, ठीक है। अगले दोनों नोट कब आएंगे, दूसरी और तीसरी दुम कब आएगी, जब एसेट रीवैल्यू होगा, नहीं होगा तो ये नहीं आएंगी। तीसरी दुम कब आएगी, जब सवाल में डिस्पोजल होगा, डिस्पोजल ही नहीं होगा तो डिटेल ऑफ डिस्पोजल भी नहीं बनाएंगे। ऐसे ही आने वाले दिनों में 2-3 चीज़ें और छोटी छोटी ऐड करूँगा, ये तो बहुत लेंथी वर्किंग बनाई ना, इसको शॉर्ट कर लेंगे, इसी तरह से शॉर्ट शॉर्ट 2-3 और चीज़ें। मिसाल के तौर पे सवाल में लिखा हुआ है चेंज इन एस्टीमेट हुआ, आप चेंज इन एस्टीमेट अंग्रेजी में लिख के आएंगे, ड्यूरिंग द ईयर यूजफुल लाइफ बदल गई थी, उसका ये इम्पैक्ट है, 2-3 लाइन की एक सब नोट ये पड़ेगा। अगर चेंज इन एस्टीमेट सवाल में ना गिवन हो तो वो दुम नहीं लगेगी, बात समझ रहे हो। बोरिंग कॉस्ट का एक स्टैंडर्ड हमने पढ़ना है, अगर सवाल में बोरिंग कॉस्ट का जिक्र कर देगा तो वो दुम भी नीचे अटैच कर देंगे, 2-3 लाइनें उसकी भी लिखी जाती हैं, वही सवाल से उठा के लिखी जाती हैं, और अगर बोरिंग कॉस्ट का जिक्र नहीं होगा तो वो दुम भी अटैच नहीं होगी। ऐसे ही कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, फिक्स एसेट बन रहा होता है तो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, उसको हम PPE नहीं कहते, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं, समझा भी दूंगा थोड़ा सा जब आएगा पॉइंट सवाल के अंदर।
उसके बारे में कोई जिक्र कर दे तो उसकी छोटी सी मूवमेंट तीन चार लाइनों में वो भी एक दुम बनेगी, अगर सवाल में नहीं है जैसे इस सवाल में नहीं था तो उसकी दुम भी अटैच नहीं होगी। इसका मतलब मेन नोट और पहली दुम जो मेजरमेंट बेसिस डिडक्शन मेथड वगैरह वाली थी ये तो बहरहाल नोट के साथ लाजमी अटैच होगी, उसके आगे सारी जो दुमे हैं वो सवाल के ऊपर डिपेंड करती हैं। और मेरे ख्याल से आप यूं कह सकते हैं कि ये चार तो टेस्ट हो ही जाया करेंगे, उसकी वजह क्या है, रिवैल्यूशन तो होनी ही होनी है, वरना आपसे क्या नोट बनवाए, तो रिवैल्यूशन होगी तो दूसरी और तीसरी दुम लग जाएगी, ठीक है। डिस्पोजल भी वो करवा देगा किसी एक एसेट का, चाहे वो रिवैल्यूड का कराए चाहे किसी और का करा दे, तो वो रूम भी अटैच हो जाएगी। उसके अलावा वाली जो है वो कभी कभार ही आती हैं, बहरहाल तैयारी हम पूरी कर लेंगे। जी नहीं जी, मैंने ये कहा है कि ये हर सूरत होगा, अगर रीवैल्यूएशन हुई है तो हिस्टोरिकल कॉस्ट का रिकॉर्ड भी शो करना है, स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे कोई डिस्पोजल का ताल्लुक, डिस्पोजल ना होता इधर डिस्पोजल नहीं था, क्यों क्यों शो किया, यहाँ कौन सा डिस्पोजल है, यहाँ पे क्या शो किया है, वही कॉस्ट वही एक्यूमुलेटेड डिडक्शन वही WDV। अगर कोई कॉस्ट मॉडल वाला बिकता तो वो लिख देते, मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये वाले रीवैल्यूड एसेट ना बिकता, कोई और बिक जाता तो उसकी कॉस्ट लिखते, उसकी WDV लिखते, उसकी सेल प्रोसीड, उसका गेन लॉस। ये कल वाला क्वेश्चन कंप्लीट किया है हमने, इसका शॉर्टकट भी बना लेते, ये फर्स्ट टाइम बनाना था समझने के लिए, अब शॉर्टकट कैसे बनाया करेंगे, इतनी देर नहीं लगाया करेंगे, यही कहानी लिखी होगी, हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन .. भाई ये मस्ट है सब नोट, अगर रिवैल्यूएशन आ जाए तो 22.2 जो बना था लास्ट रिवैल्यूएशन वॉज परफॉर्म्ड, गेम खेल लो तुम लोग .. ऐसे ही ये भी मस्ट है अगर रिवैल्यूएशन हो जाए, तो ये दोनों रिवैल्यूएशन के लिए डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है जी। वो क्या लिख रहे थे हम, हैड देयर बीन, तो ये कब लिखेंगे हैड देयर बीन नो, अगर रिवैल्यूएशन होगी तो कहेंगे ना, अगर ना होती तो भाई, अगर है ही नहीं तो फिर ये क्यों बनाएंगे, और ठीक है, हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन .. ये वाली बात पूरी, लेकिन नोट इतना डिटेल से नहीं बनाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन WDV 31 December 2017 और 31 December 2018। ये और की समझ आ रही है, और बोलो ये ना दोनों बनाने बैठ जाना पर्चे में, ये लेंथी काम था, ये मैंने आपको सिखाया है पर्चे में, जब तक समझ ना आए इन बातों की तो बेशक आप इस, जब समझ ना आ रही हो तो ये काम कर सकते हैं आप, आपसे फिगर्स ना निकल रही हो तो ये करेंगे फौरन आप कैलकुलेट कर जाएंगे, लेकिन अगर ये ना करना चाहें जो कि पर्चे में बिल्कुल नहीं करेंगे हम, शॉर्टकट की तरफ ही चलेंगे, तो मुझे बताएं 31 December 2017 तक ये जो एसेट हमने खरीदा था 1 January 2015 को, इनमें से कोई बिका है, कोई मजीद नया आया है, इसका मतलब 500 वाले एसेट्स 500 के ही पड़े हैं, ठीक हो गया। उसके बाद ये फिगर की वर्किंग बनाते हैं, हेडिंग बनी होगी अलग से वर्किंग्स की, वर्किंग वन आप कहेंगे जी 500 के एसेट्स थे 1 January 2015 से 31 December 2015 2016 2017, 3 साल डेप्रिशिएट हुए, तो डिवाइडेड बाय 10 × 3 टोटल 150 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ चुकी है 31 दिसंबर क्लोजिंग डेट का बताना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 150 WDV क्या आ जाएगी, तो वो डिटेल्ड काम नहीं किया करेंगे, वो समझाने के लिए सिर्फ किया कि इस तरह से बना होगा, सिर्फ क्लोजिंग डेट के ऊपर रिक्वायर्ड क्या है, सिर्फ क्लोजिंग डेट पे बता दो
रिवैल्यूएशन ना होती तो ये एसेट कॉस्ट पे नजर आता, इसकी इतनी एक्युमुलेशन होती हिस्टोरिकल कॉस्ट के हिसाब से। ये बात समझ रहे हो? अगली अगली डेट पे आए, अब इधर देखें किस दिन बताना है, 31 दिसंबर 18। इधर देखना जरा, 500 रुपये के टोटल एसेट्स थे, कितने थे? पांच। इनमें से माइनस कर देंगे जो बिक गए। वजह भाई, यकम जनवरी 18 की बात नहीं है, ये किस दिन की बात है? 31 दिसंबर 18 से पहले कितनी बिल्डिंग्स बिक गई थी? चार। तो चार बिल्डिंग्स 31 दिसंबर 18 तक कोई नहीं आनी, तो समझ आ रही है? तो माइनस किया हमने 500 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 4, वो जो भी बनता है, क्या आंसर आया? 300। देखो 300 ही आया, शॉर्टकट से काम किया हमने। क्या कहा? टोटल इतनी बिल्डिंग्स थी, ये कितनी बिल्डिंग्स हैं? 10। ये तो अब बटा 10 कहने लग जाएंगे, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। 10 बिल्डिंग्स जो टोटल थी, ठीक है, जो खरीदी थी 31 दिसंबर 18 तक आते आते, चार बिकी है ना, चार माइनस हो गई तो ये कितनी रह गई? ये बात समझे हैं? तो ये हमने क्लोजिंग डेट पे बताना होता है। तो ये काम सिर्फ समझाने के लिए था, अब इसके ऊपर एक क्रॉस लगाने लगा हूँ थोड़ी देर। पेपर में ये नहीं करेंगे, पेपर में ये काम किया करेंगे? इतना टाइम थोड़ा ही होता है कि नोट के ऊपर फिर नोट बनाने लग जाए। लेकिन आपको सिर्फ मैंने ये डेमोन्स्ट्रेट किया ज़रा कि ये जो शॉर्टकट होगा मकसद क्या है, सिर्फ वो कॉस्ट के हिसाब से नोट ही है एक तरह का, लेकिन बताना क्लोजिंग डेट पे, कोई मूवमेंट वगैरह बताने की ज़रूरत नहीं है। ये है रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड की, ठीक है। अब बस एक फिगर रह गई है, वो कौन सी है जी? एक्यूमुलेटेड। चलें 2 मिनट लें और कोशिश करें कि वो तो काम किया ही हुआ आपने, यहाँ कोई शॉर्टकट वगैरह लगा के ना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल लें। जल्दी करें जल्दी करें, 2 मिनट हैं आपके पास, पूरे 2 मिनट। वैसे तो आपको पता है कि क्लोजिंग एक्यूमुलेशन कितनी होनी चाहिए, 120 आई थिंक आपको पता लग रहा है, लेकिन आप इसको वहां से तो देख लिया, बस पता लग गया, वो काम तो करना ही नहीं है। तो शॉर्टकट जो लगाना है तो जरा शॉर्टकट सोचें, कोई और लगाएं। ओह चार, तो क्या उन चार की डेफिनेशन क्लोजिंग में हो सकती है? हमने तो क्लोजिंग डेट भी बताना है ना सब कुछ, तो चार की तो यहां होनी ही नहीं है। तो पहले चार्ज करो, फिर माइनस करो, ये थोड़ा ही करना है, बड़ी सादा सी बात है। ये देखो इस साल के एंड पे कितनी बिल्डिंग्स पड़ी हैं? 300, यानी 6, और इन्हीं की डेप्रिसिएशन भी पड़ी होगी डिस्पोजल की, तो यहां से निकल जाया करती है क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन में से। तो बड़ी ही सादा सी बात थी, 6 बिल्डिंग्स को पूरा साल डेप्रिशिएट करके और पूरी जिंदगी डेप्रिशिएट करके यहां पे लिख देना था। समझ नहीं आई बात की? हमारे पास 31 दिसंबर 18 पे 4 बिल्डिंग्स हैं ही नहीं है, तो उनकी डेप्रिसिएशन भी यहां नहीं हो सकती। पड़ा क्या है? 6 बिल्डिंग्स, तो डेप्रिसिएशन भी कितनी बिल्डिंग्स ही पड़ी होगी? 6 की। कितने अरसे की? यकम जनवरी 15 से 31 दिसंबर 18 तक, 4 साल की। एनी को सारी वर्किंग, ये देखें बची कितनी बिल्डिंग्स, ये बची हुई बिल्डिंग्स 300 डिवाइडेड बाय 10, 1 साल की डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 18 तक कितनी? 120। यहां पे लिखना है 120, तो ये आ जाएगा 120। तो ये काम नहीं किया करेंगे। समझ आ गया? समझ आ गया हुआ क्या है यहाँ पे? अब पर्चे में इतनी देर नहीं लगानी, इस पे 5 मिनट लग रहे थे तकरीबन आपके जी। रिपीट करूंगा, 2 बार कर दूंगा, सुने। अब यकम जनवरी 15 को हमने 500 रुपए की 10 बिल्डिंग्स खरीदी, ठीक है। 31 दिसंबर 17 तक कितनी पड़ी हैं? 10 की 10 पड़ी हैं, कोई डिस्पोजल नहीं, कोई एडिशन नहीं। हैड देयर बी नो रिवैल्यूएशन, तो इसका मतलब कॉस्ट भी नहीं हिली, वही तो दिखाने लगे।
इसका मतलब 31 दिसंबर 2017 पे 500 का 500 एसेट अकाउंट में नजर आ रहा था। 3 साल गुजर चुके थे, ये 10 बिल्डिंग्स 3 साल डेप्रिशिएट हुई। उधर देखें, इधर देखें, 500 10 बिल्डिंग्स की कॉस्ट डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, ये 1 साल की डेप्रिसिएशन इनटू 15, 16, 17, 3 साल की डेप्रिसिएशन टोटल कितनी आ गई, 31 दिसंबर 2017 पे 500 के एसेट पड़े हैं एट कॉस्ट, एट कॉस्ट, ये कॉस्ट है, रिवैल्यूड अमाउंट तो उधर आ रही है नोट में, कॉस्ट दिखाने आए थे, ठीक है, 31 दिसंबर 2017 पे 500 रुपए की कॉस्ट है और इसकी डेप्रिसिएशन कितनी है 150, तो WDV कितनी है। अगर रीवैल्यूएशन ना होती तो 31 दिसंबर 2017 पे बुक वैल्यू 350 आती, ये बताना चाह रहे थे यूजर को, ठीक है। आगे बढ़े, अब ये नहीं सोचना यकम जनवरी 18 को ये हुआ होगा, ड्यूरिंग 18 ये आया ये गया, नहीं, 31 दिसंबर 2018 पे आगे खड़े होना है और सोचना है हमारे पास कितनी बिल्डिंग्स थी जब हमने खरीदी थी 10। 31 दिसंबर 18 तक आते आते कोई नई बिल्डिंग आई नहीं, कोई बिल्डिंग बिकी, हाँ जी, 31 दिसंबर 18 तक आते आते 10 में से 4 बिक गई, तो टोटल 10 बिल्डिंग्स में से 4 बिक गई, तो बाकी 6 हैं 31 दिसंबर 18 पे पड़ी हुई। कॉस्ट ये रीवैल्यूड अमाउंट नहीं शो करनी बाग के बंदो, रीवैल्यूड अमाउंट तो नोट में आ रही है, कॉस्ट तो दिखाने आए हैं यहां पे, ओके। अब ये कॉस्ट जो पड़ी है क्लोजिंग, इसी की क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड एब्जॉर्प्शन पड़ी होगी, जो डिस्पोजल हुआ वो एसेट भी एसेट अकाउंट में से निकल जाया करता था, कॉस्ट भी एसेट अकाउंट में से निकल जाती थी और एक्यूमुलेटेड एब्जॉर्प्शन भी उस एक्यूमुलेटेड एब्जॉर्प्शन अकाउंट में से निकल जाती थी। ये नोट की मूवमेंट थोड़ी शो कर रही है, हमने क्लोजिंग डेट पे बताना है जी कितनी डेप्रिसिएशन है, भाई जितने एसेट पड़े हैं उन्हीं की डेप्रिसिएशन पड़ी होगी, 6 बिल्डिंग्स पड़ी हैं उनकी आज तक की डेप्रिसिएशन यहां पे पड़ी होगी, तो 6 बिल्डिंग्स की कॉस्ट, 1 साल की डेप्रिसिएशन, 4 साल आज तक गुजर गए तो 120 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये है सब नोट 22.3। लग गया तुक्का 2-3 साल के लिए बनवा ले या डिफरेंट एसेट्स का 1 साल या 1 से ज्यादा साल भी बनवा ले, डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे और क्वेश्चन के डाटा पे। लेकिन एक बात मैंने आपको बताई थी, इनको याद रख लीजिए, बल्कि इस सवाल में उमर लिमिटेड में जाके इंक्लूडिंग कंपैरेटिव फिगर्स लिखा हुआ था रिक्वायरमेंट में, इस इंक्लूडिंग कंपैरेटिव फिगर को अंडरलाइन करके लिखें, कंपैरेटिव ईयर सिर्फ तब बनाएंगे जब सवाल स्पेसिफिकली रिक्वायर करेगा। कंपैरेटिव ईयर सिर्फ तब बनाना है जब सवाल स्पेसिफिकली रिक्वायर करेगा। कंपैरेटिव ईयर सिर्फ तब बनाएंगे जब सवाल स्पेसिफिकली रिक्वायर करे, ओके। इसका मतलब सुन लो, अब उसने लिखा था प्रिपेयर अ नोट ऑफ पीपी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018, अगली ब्रैकेट ना डालता तो हमने 17 को लिखना ही नहीं था, ठीक है, 18 ही लिखना था, किसी सूरत में कंपैरेटिव नहीं बनाना जब तक वो खुद ना कहे, क्लियर है ये बात। अब ये एक एसेट के 2 साल हैं या 3-4 एसेट्स हैं, तो 3-4 एसेट्स में भी पूरा नोट बनेगा अलग अलग कॉलम्स के साथ, हर एसेट का अपना कॉलम आ रहा होगा और फिर टोटल कॉलम आएगा, वो पहले वाला नोट बनाएंगे इंशाल्लाह कल, टेस्ट वाला नोट जाहिर है क्लास में बनाएंगे, तो टोटल का कॉलम, अब वो पूरा नोट बन गया 1 साल का, अगर उसने कहा कंपैरेटिव तो वैसा ही नोट फिर कॉपी करना पड़ेगा, आगे जगह कोई नहीं होती आपके पास इतनी कि आप फिर से उसको उसी के आगे ऐड करें, कर भी नहीं सकते, कंफ्यूज भी होंगे, और कंपैरेटिव की तरफ सिर्फ वो सूरत जाएंगे जब वो रिक्वेस्ट करेगा, जी बिल्कुल, आपसे रिक्वेस्ट करेगा, भाई कह रहे रिक्वेस्ट करेगा जब वो, तब हम, हाँ ठीक है, और सही है, चले जी, आने दें सवाल में, आने दें जी, बिल्कुल पड़ेगा, सिर्फ डेप्रिसिएशन नहीं, सब नोट में उसके बारे में लिखेंगे बेटा, वो आने तो दें, चेंज एस्टीमेट वाला सवाल करेंगे, ऐसे कैसे जान जुटेगी आप लोगों की, पॉसिबिलिटीज तो सारी करके ही जान जुटेगी, ऐसे तो ही ना, पर्चे में कोई चीज आ जाए आपने मुझे पकड़ाओ,
हाँ भाई पढ़ाया नहीं सी, ऐसे नहीं कहना, वैसे कभी कभी हो जाता है, दो चार नंबर 5-10 नंबर तो आई कैप के होते हैं वैसे ही। ACA एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये अगर आप प्रैक्टिस में हो, फर्म बनाई हो तो 5 साल बाद आप FCA हो जाते हैं, अगर आप फर्म ना बनाई हो तो 10 साल बाद आप खुद ही से FCA हो जाते हैं, वो फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं। मैंने फर्म नहीं बनाई 4 साल। को अगर आप देखें जो अब आपके सामने है, 13 है, 13 आपके सामने, 13 में एक क्वेश्चन नजर आ रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है नजर, ये क्वेश्चन 6 नंबर का है, नोट बनाना है सिर्फ 1 साल का, आपके पास 10 मिनट हैं, आप सब ने ये नोट बना लेना है, कोई सब नोट इसमें बनना ना बनाना, चलो बगैर सब नोट के ना लिखना, हैड देयर बी नो रिवैल्यूएशन वो बात ना लिखना, ना लिखना लास्ट रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म वाला पॉइंट भी ना लिखना, लेकिन मेन नोट और उसके नीचे पहली 2 अटैच करो, 10 मिनट में ये नोट बनाना है, आपका टेस्ट है, टेस्ट से पहले टेस्ट है। जिसने ये नाम नहीं लिखा होगा उसके खाम खा के नंबर कट जाने, और जिसने लिखा होगा उसको खाम खा के नंबर मिल जाने, नोट सुधा FS जिसने लिखा होगा मैं उसके नंबर भी काटूंगा, फाइनेंस स्टेटमेंट पूरा लिखना था, मैं तो पेपर पास है ना लिख सकता हूँ, जिसने FYE लिखा होगा उसके भी नंबर काटूंगा, फॉर द ईयर एंडेड लिखना था, मैंने क्यों लिखा FYE, मेरी मर्जी, 31 दिसंबर किस साल का नोट बनाना है ये तो बता दो बस, सवाल नहीं मेरे पास, 16 का, एक इम्पॉर्टेंट बात जो कल वाले नोट में लिखवाना भूल गया था आपको, रुपीज़ इन मिलियन टॉप पे लिखा करें, बहुत ज़रूरी है, अभी याद करवाइएगा, बल्कि मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इस नोट में लिख के बता दूँगा कैसे लिखते हैं, अगर मिलियन में है तो ऊपर लिखना चाहिए ना, कल भूल गए थे, हेडिंग में लिख दो, अभी बताता हूँ ना, अभी बताता हूँ, लिखना सिखाऊंगा ना, यही तो कह रहा हूँ, इसी तो साइड पर लिख गया, और नोट बना ले भाई, 10 मिनट में नोट बनाना है, 2 मिनट गुजर भी गए, चार मिनट गुजर गए,
कोई ऐसा बच्चा भी है जिसने नोट बना लिया है? पहले से बनाया हो तो फिर बनाया, तुम छा गए हो तकरीबन। दिखाना जरा, हाँ सब बहुता भी डायरेक्ट नहीं होना। हेड्स गिवन हो, ठीक है, ज़रा मैं रुपीज़ इन मिलियन लिखना सिखा रहा हूँ, तो एक से ज़्यादा हो, तीन चार पांच कॉलम्स आ रहे हो, तो हर एक के ऊपर रुपीज़ इन मिलियन लिख के टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, ऐसे कर लिया करेंगे, रुपीज़ इन मिलियन, ये तीन हो तो यही लाइनें बढ़ा लेना, चार हो तो बढ़ा लेना, इस तरह से करके टॉप पे रुपीज़ इन मिलियन लिख लेना, रुपीज़ इन थाउजेंड्स लिख लेना जिसमें क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है। ये पाँच चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं जो बड़े भाई ने हमें कही हुई हैं, वो बड़े भाई असल में स्टैंडर्ड है या लॉ है, ठीक है। पांच चीजें, रिपोर्टिंग एंटिटी का नाम, रिपोर्ट का नाम, रिपोर्टिंग पीरियड का नाम, ये रिपोर्टिंग पीरियड, रिपोर्टिंग करेंसी, लेवल ऑफ राउंडिंग ऑफ, पांच नुक्ते लगाए हैं मैंने, ठीक है। ये पांचों चीजें जरूरी हैं, पर्चे में मिस करोगे तो नंबर कटेंगे, ओके। चले, बहरहाल अभी तो ऐसा था नहीं, आसानी ही थी, यहीं पे बस इसके ऊपर लिख देना था हमने, रुपीज इन मिलियंस, ठीक है जी, ओके। अच्छा जी सुने, अब डेट, डिस्क्रिप्शन, बिल्डिंग है, बिल्डिंग, ठीक है जी, किस दिन एसेट खरीदा, यकम जनवरी, कितनी कॉस्ट थी 200, उसके बाद क्वेश्चन दे दो यार, कहता है फाइव बिल्डिंग्स वर एक्वायर्ड इन सेम वसिनिटी ऑन यकम जनवरी दास एट अ कॉस्ट ऑफ 200, यूजफुल लाइफ इज 20 इयर्स, रिजल्ट ऑफ रिवैल्यूएशन कैरिड आउट, पहली रिवैल्यूएशन जाकर हुई है यकम जनवरी 16, तो भाई यकम जनवरी 10 से 31 दिसंबर 15 तक कुछ हुआ और कोई रिवैल्यूएशन हुई थी, तो क्यों डिटेल से वर्किंग करी जा रहे हैं, कुछ बच्चों को देख के आया हूँ मैं, उन्होंने 31 दिसंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15 इस तरह से ये सफ़र तय किया और उनकी वर्किंग बनते बनते ही आधा टाइम गुजर चुका था, ठीक है जी, तो ऐसे नहीं करना, ठीक है भाई साहब, भाई साहब इधर, ठीक है, जिन जिन ने डिटेल ऐसे डिटेल वर्किंग करनी नहीं थी, इधर देखें, 31 दिसंबर 15 तक तो कुछ हुआ ही नहीं है सिवाय डेप्रिसिएशन के, रिवैल्यूएशन भी नहीं हुई थी, तो यहाँ पे सिखाया हुआ है आपको, पहले भी एक बार ये बात क्लास में हो चुकी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इधर देखें 200 डिवाइडेड बाय 20, ये एक साल की डेप्रिसिएशन इनटू, कुछ ने फाइव भी लिखा हुआ था,
वो फाइव वाले दीवाने ऐसे हैं कि जो जो समझते हैं हमारी शान कट जाएगी अगर हमने उंगलियों पे साल गिने, 6 महीने जाया कर देते हैं उसके पीछे जी। यकम जनवरी 10 से 31 दिसंबर 10 तक 1 साल, 11 तक 2 साल, 31 दिसंबर 12 तक 3, 13 तक 4, 14 तक 5, और 31 दिसंबर 15 तक 6 साल बनते थे। तो 5 वाले हाथ खड़ा करें, ना माने 2-4 ही हाथ खड़ा करेंगे, उनको पता है देख के क्या वो मान लेंगे जी। 16 सिक्सटी सिक्सटीन नहीं भाई, 61 40, WD भी आ गई। जनरल एंट्रीज रिक्वायर्ड नहीं है, मैं बनाऊंगा भी नहीं, जनरल बनाऊंगा भी नहीं आपके सामने, बस नोट है तो नोट ही बनाएंगे डायरेक्ट। उसके बाद क्या हुआ भाई, एक लाइन खाली छोड़ देंगे और रिवैल्यूड अमाउंट लिख लेंगे जी, कितनी 480 सरप्लस आ गया, कितना 340 340 का सरप्लस आ गया। फिर 31 दिसंबर 16 आ गया, नहीं आया, उससे पहले कुछ हो रहा है, क्या हुआ, 3 बिल्डिंग्स बिक गई हैं 30 मिलियन ईच की 31 मार्च 16 पे। तो 31 मार्च 16 इस काम पे तो कल पूरा लेक्चर लगाया था, ठीक है। फिर इस जैसा सवाल होमवर्क में आपने किया था, हाथ खड़ा करें, होमवर्क में करके आए थे सवाल, क्यों नहीं किया था जी, कितने बच्चों ने होमवर्क नहीं किया हुआ, बोले 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 भाई, आपने होमवर्क किया हुआ भाई, आपसे पीछे जिन्होंने आप पीछे मुड़ के देखा, हाँ हाँ इकतीस मार्च 16 क्या करोगे, डेप्रिसिएशन ऑन 3 बिल्डिंग्स, वर्किंग नंबर 2, 2 1 होगी वर्किंग 2, यहां पे तो सील लिख लेते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन फ्री। ये पर्चे में लिखने की कोई जरूरत नहीं, रिक्वायर्ड थोड़ा, ये तो आपको याद करवाने के लिए मैंने कल भी लिखा आज भी लिख रहा हूँ, डेप्रिसिएशन ऑन 3 बिल्डिंग्स फॉर 3 मंथ्स। देखिए अगर कोई डिस्पोजल ना होता तो 480 नहीं रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड होना था ना, ठीक है। अब 480 सारे का सारा नहीं, सारा साल डेप्रिशिएट हो सकता, ये कितनी बिल्डिंग्स की रीवैल्यूड अमाउंट है, हमें कितनी चाहिए अलग, तो कितना आया 288 है 3 बिल्डिंग्स की रीवैल्यूड अमाउंट, रिमेनिंग लाइफ निकालनी है बस। ये देखो आज वो चीज़ काम आई, वर्किंग में डेप्रिसिएशन नज़र नहीं आ रही है, हमने अपने उसूल को पक्का पकड़े रखा। जिस दिन रीवैल्यूड अमाउंट लिखी होती है ना, उस पर डिब्बा लगाया करो। अब यकम जनवरी 15 से सॉरी यकम जनवरी 10 से यकम जनवरी 16 तक 6 साल गुजर चुके हैं, 20 में से 6 गए तो बाकी डिवाइडेड बाय 14, 1 साल की डेप्रिसिएशन इंटू 3/12, आंसर इज 5। ठीक है जी, वही काम सरप्लस के साथ भी करना पड़ेगा, 340 डिवाइडेड बाय, अब तो सोच भी नहीं रहे, इंटू 3, कल सोच लिया, 204 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 3/12, आंसर इज 4। अगला काम क्या किया था, 31 मार्च 16 पे WDV ऑफ 3 बिल्डिंग्स, या चलो डिस्पोजल्स जो भी लिखना चाहो, वर्किंग 3, वर्किंग 3 WDV ऑफ 3 बिल्डिंग्स जो के डिस्पोज हुई। 10 मिनट में होने वाला सवाल था वैसे ही, ठीक है जी। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड एब्जॉर्प्शन था ना, लेकिन रीवैल्यूएशन के केस में लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट माइनस एक्यूमुलेटेड एब्जॉर्प्शन होता है, और एक्यूमुलेटेड एब्जॉर्प्शन भी लेटेस्ट रीवैल्यूएशन डेट से, ठीक है जी। अच्छा चले, तो कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है, -5, ये दोनों चीजें यहां से मिल जाती है, ये कॉस्ट आ गई और ये
ठीक है जी, ये क्या है, लेटेस्ट रिवैल्यूड अमाउंट, ये क्या है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 283। ऐसे ही 204 माइनस 4 सीखते हुए बहुत आराम आराम से सीखा, लेकिन अब तो हम ये काम शॉर्टकट से ही लगा लिया करते हैं, ऊपर देखा फिगर को उठाया बस चल। मुश्किल तो तब आएगी जब किसी टेस्ट के अंदर आने वाले दिनों में मैं ये नहीं करूंगा कि 16 वाले साल में रिवैल्यू और 3 महीने बाद बिक गया, हर सवाल में ऐसे ही कर रहे हैं। अगर यहीं पे जो डिस्पोजल की डेट में 2016 लिखा हुआ है इसको 17 कर देना तो थोड़ी सी मुश्किल पैदा हो जाएगी। हो गया, यहाँ पे एज इट इज़ ये फिगर नहीं आएगी कि 3 महीने की डिडक्शन नहीं आएगी, 1 साल 3 महीने की आ रही होगी, 1 साल ही बढ़ा देंगे, तो ज़हनी तौर पे तैयार है। ओके, उसके बाद वर्किंग 4 में क्या है जी, बकाया बिल्डिंग्स की डेप्रिसिएशन। हाँ जी, 480 डिवाइडेड बाय 5 इंटू इज इक्वल टू 192 डिवाइडेड बाय आंसर इज। उसके बाद 340 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 136 डिवाइडेड बाय 14। डब्ल्यू डी बता दें 178 और जी नोट 31 नंबर 15 पे आ जाएंगे, यहाँ पे निकालेंगे क्लोजिंग्स और उनको बनाएंगे ओपनिंग, ऐसे ही करते थे, यहाँ पे आप खड़े हुआ करते थे, आज जगह है आप आ जाएं इसके। 31 नंबर 15 पे खड़े होके आपने सवाल से पूछा क्या ये एसेट आज से पहले, नहीं सॉरी, क्या ये एसेट अभी, कल जो नोट बनाना है, आज रिवैल्यूएशन स्टार्ट करनी है ईयर एंड की, कल जो नोट बनाना है उसके अंदर ये बात फिर यूज हो जाएगी, बहरहाल हमने याद कर रखी है ऑलरेडी। क्या ये एसेट 31 दिसंबर 12 15 या उससे पहले कभी रिवैल्यू हुआ, आंसर इज नो। अगर नहीं तो इसमें क्या पड़ा होगा, कॉस्ट, कॉस्ट कितनी है, यहाँ पे क्लोजिंग 200 कॉस्ट है, तो 1 जनवरी 16 का ओपनिंग भी 200 की कॉस्ट ही होगी। ठीक है जी, अगर रीवैल्यू नहीं हुआ तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में डेट ऑफ परचेज से 31 दिसंबर 15 तक की डेप्रिसिएशन पड़ी होगी, वो कितने साल बनते हैं, 6 साल, इधर देखें सामने नजर आ रहा है, कैलकुलेट हुआ पड़ा है, 1 जनवरी 10 से 31 दिसंबर 15 तक की डेप्रिसिएशन कितनी थी, कितनी जी 60, क्लोजिंग 60, तो यहाँ पे ओपनिंग भी वही 60। सही है जी, फिर 16 के साल में पहला दिन क्या हो रहा है, एंट्रीज भी नहीं है आज, तो सब डायरेक्ट फटाफट बनाना है हमने नोट, टाइम नहीं लगाना, बस उठाते जाएं फिगर्स, ट्रांसफर है तो इसीलिए तो यहां लिखा करते हैं। फिर क्या है जी, रिवैल्यूएशन कितनी है, 340 का सरप्लस है, ओके डन। अब क्या रह गया, डिस्पोजल और डेप्रिसिएशन। डिस्पोजल में एंट्री जहन में रखनी है, एसेट अकाउंट में से कॉस्ट निकला करती थी और रीवैल्यूएशन केस में रीवैल्यूड अमाउंट, तो जाने वाले एसेट्स की रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है, ना जी, हाँ जी सही है, मेरे जहन में 240 चल रहा था जी, 280। अच्छा ये फिगर कहाँ से मिला करती हैं, ये पड़ी है कॉस्ट या लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट, और ये क्या पड़ा है, एक्यूमुलेटेड, तभी तो ये WDV थी, ठीक है ना, तो ये इसी वर्किंग से फिगर्स उठा लिया करेंगे दोनों, जब ये वर्किंग तो करनी ही होगी। ठीक है जी, यहाँ पे जी 5 5 5 5, मैं डिस्पोजल की बात कर रहा हूँ, अब सिर्फ एक चीज रह गई, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दो दफा नजर आ रही है, देखें 5 और 14, तो 5 प्लस 14 बन गया
19 जी। क्लोजिंग कॉस्ट बताएं, एक्युमुलेटिव शन 178, बिल्कुल सही होना चाहिए, सही भी। कितने बच्चों का नोट बिल्कुल सही था? 10 मिनट में बना भी था और सही भी था। अच्छा थोड़ी देर बाद बना चले लेकिन सही था। अच्छा सही जा रहे थे तो नियत सेट कर लें, अब होमवर्क भी स्पीड से किया करें। इसके अंदर एक ही सवाल है, वो सवाल पूरा करना चाहते तो 15 मिनट और बहुत हद 20 मिनट लगते। 10 मिनट में आधा करूंगा, आधा आप घर में पूरा करेंगे, इसमें है कुछ भी नहीं। सवाल पढ़ते हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू बिल्डिंग्स, बिल्डिंग एक्वायर्ड बाय एसके लिमिटेड ऑन 1 जुलाई 2012 फॉर ₹360 मिलियन। इस जुलाई को काट के ज़रा जनवरी कर लें, थोड़ा और आसान कर लें। वैसे जुलाई इतना मसला नहीं है, ईयर एंड अगर 31 दिसंबर है तो 6 महीने हो जाएंगे, बस यही फ़र्क है। ओके भाई सबको समझ आई है? डेट ऑफ परचेज 1 जनवरी कर लें, पहली लाइन में आ रही है, जुलाई को काट के जनवरी कर लें। द बिल्डिंग इज बींग डेप्रिशिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन ओवर 10 ईयर्स, SKL यूजेज ब्ला ब्ला, सारी लाइन लिखी हुई है। वैल्यूएशन की डिटेल्स हैं, डेट पड़ी है 31 दिसंबर 2013, 31 दिसंबर 2015, 31 दिसंबर 2017। तो पहली बार आज ऐसा हुआ कि रीवैल्यूएशन की डेट 31 दिसंबर आ रही है ईयर एंड पे, ठीक है जी। कोई डिस्पोजल नहीं है, ठीक है जी। अगली लाइनें आप घर जाके भी पढ़ सकते हैं, मैंने आपको सिर्फ वर्किंग प्रेजेंट करनी है, 2-3 साल के जनरल एंट्रीज को कर लेते हैं बस। नोट रिक्वायर्ड नहीं है आज, नोट वैसे भी कल बनाएंगे। जो होमवर्क में दोनों क्वेश्चंस हैं वो दोनों ही आप करेंगे। एक वो क्वेश्चन है जो मैंने कहा था आपको एक टाइम में, ये मैंने जगह खाली देख के यहाँ लिख दिया है, ईयर एंड के बाद करेंगे, रेफर किया हुआ है मैंने यहाँ पर। और एक कार्ली वाला क्वेश्चन है, जिन्होंने कर लिया था कंप्लीट बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया था तो वो अब कर लेंगे घर जाके इसको, और ये क्वेश्चन भी कंप्लीट करना होगा, ठीक है। कल अगर टेस्ट डिस्कस होते होते बात ज़्यादा बढ़ गई, टाइम ना मिला, तो शायद कल नोट ना बना सकें ईयर एंड वाला, फिर वो परसों बना लेंगे। एक अच्छा एग्ज़ाम लेवल का क्वेश्चन जो है वो करेंगे, फिर एक एग्ज़ाम लेवल का क्वेश्चन आप घर पे करेंगे, और फिर मिड ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन ही रह जाएगी। छोटी मोटी चीज़ें जो होंगी उनको फिर देखते हैं, एक आध दिन लगाना है या उनको कैरी फॉरवर्ड करें। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो इसका नोट नहीं बनाना, ये भी दोबारा ही लिखना पड़ा जी। किस दिन एसेट खरीदा है? 1 जनवरी। कॉस्ट 360। बिल्डिंग है? यूजफुल लाइफ 31 दिसंबर 2012 पे, फिर डेप्रिसिएशन होगी 360/10, 36 ये बच गया 300। बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट 360 से, डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 36 से। बहुत मुश्किल बात हुई कोई? तो ऐसी बातें अगर तेजी में हो जाए तो कोई मसला तो नहीं है ना, इसमें है क्या? अब आज से पहले ये देखते थे कि 12 का साल लेट से ख़त्म हुआ, 13 का साल शुरू होते ही क्या हो जाता था? बस ये थोड़ा सा चेंज है, 13 के साल में रीवैल्यूएशन तो है
लेकिन ज़रा डिटेल पढ़ के देखें किस दिन हो रही है, 31 दिसंबर 13। तो पहले रीवैल्यू करेंगे, एक लाइन खाली छोड़ देंगे, 31 दिसंबर 13 पे पहुंचो तो सही, ठीक है। देखो स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवेल्यूशन में क्या था, बस ये छोटा सा फर्क है, सिर्फ डेट बदल रही है, ना कोई एंट्री ना कोई ट्रीटमेंट, कुछ भी नहीं बदलने लगा, कोई नोट नोट में, सिर्फ डेट बदल रही है। स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवेल्यूशन में क्या होता था, साल के पहले ही दिन रिवेल्यूएशन, फिर एंड पे जाके यूज के बाद डेप्रिसिएशन। आज रिवेल्यूशन वाला इवेंट पहले नहीं हो रहा, पहले यूज वाला इवेंट हो रहा है, तो पहले फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एसेट को डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। तो 31 दिसंबर 13 पे मैं लिखना भी नहीं पसंद करूंगा, मतलब जाहिर है डेप्रिसिएशन तो लिखूंगा, वर्किंग लिखना भी नहीं पसंद करूंगा। अब हम बड़े होते जा रहे हैं ना, स्ट्रेट लाइन मेथड, पर्चे में नहीं लिखते। 36 दोबारा आ गया, 288 WDV 31 दिसंबर 13। पहले डेप्रिसिएशन, पहले रिवेल्यूशन आया करती थी ना, आज नहीं, 31 दिसंबर 13। तो इतना सा फर्क तो मैनेज, ना भी पढ़ाता तो कर लेते ना, लेकिन हम 2 दिन इस पे भी लगाएंगे, ठीक है। ये ना भी पढ़ा जाता तो भाई रिवेल्यूशन तो वही है, बस थोड़ा ध्यान रखना है डेट्स का, किस दिन रिवेल्यूशन हो रही है, फिर डेप्रिसिएशन पहले करनी है, रिवेल्यूशन बाद में करनी है, बस इतनी सी बात है, कुछ भी नहीं इसमें जी। डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 36 से, अब क्या हो रहा है, रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन के दिन क्या करेंगे, एक लाइन छोड़कर रिवैल्यूड अमाउंट लिख लेंगे, कोई चेंज नहीं आया। हाँ बस रिवैल्यूएशन को मैंने REV डॉट लिख दिया। हाँ जी, कितनी, 323 रिवैल्यूएशन सरप्लस बैलेंसिंग, और फिर डेप्रिशिएट करेंगे 31 दिसंबर 13 पे। बस भी करो, कितना डेप्रिशिएट करना है, साल के एंड पे रिवैल्यू हुआ, बस डेप्रिशिएट हो चुका है, एंड पे रिवैल्यू करके छोड़ देंगे, अब अगले साल के एंड पे जाके रिवैल्यूड अमाउंट को डेप्रिशिएट करेंगे बिल्कुल। यानी कि अब रिवैल्यूएशन की एंट्रीज करो, बस एंट्री साल के आखिरी दिन हो जानी है, एंट्री भी वही है, बोलो बोलो, एक्यूमुलेटेड एसेट डेबिट, डरो डरो भाई, बिल्डिंग क्रेडिट, बेटा पहले एंट्री तो करने दे, 36 से नहीं, 36 और 36 72 से, ठीक है, रिवर्सल हो गया। अब सरप्लस बताओ, बिल्डिंग डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट 35। बस जी, अब कहां से आ गई दूसरी एंट्री, आप कहोगे सरप्लस नजर आ रहा है और डेप्रिसिएशन की एक ही एंट्री, भाई जब डेप्रिसिएशन की थी तब सरप्लस नहीं था, अभी अभी आया है, इसलिए आना ना, जब डेप्रिसिएट कर रहे थे तो रिवैल्यूएशन नजर नहीं आ रही थी, सरप्लस नजर नहीं आ रहा था, अब आना शुरू हुआ है, साल ही खत्म हो गया, अब अगले साल डेप्रिसिएट करेंगे तो वो नजर आ रहा होगा, बिल्कुल 2 एंट्रीज करेंगे, जहां तक कोई मसला। 31 दिसंबर 14 आएगा डेप्रिसिएशन, 323 डिवाइडेड बाय 8, 35 डिवाइडेड बाय 8, इस डेट पे खड़े होके रिमेनिंग लाइफ निकालेंगे ना जी, कितना, 40 और 4, 283 31। 14 वाले साल में है रिवैल्यूएशन, नहीं है तो कोई बात नहीं, इधर देखो, कोई रिवैल्यूएशन नहीं, 31 दिसंबर 14 पे आओ, डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 40 से, और देखा 2 एंट्रीज हो गई, सरप्लस नजर आना शुरू हुआ तो 2 एंट्रीज हुई है, पहले आ नहीं रहा था, थोड़ा सा बस ये ध्यान रखना है, कोई उसूल नहीं बदला रिवैल्यूएशन जी।
रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, चार से साल खत्म। आखिरी साल मेरे पास, वरना आपने 17 तक करना है इसको जी। 31 दिसंबर 15 पे रिवैल्यू हुआ, एक लाइन छोड़ के रिवैल्यूड अमाउंट लिखेंगे भाई, पहले डेप्रिशिएट करेंगे, यही तो थोड़ा सा फर्क है। तो नहीं लिखना पसंद करूंगा मैं ऊपर वाला फॉर्मूला दोबारा, स्ट्रेट लाइन है ना, 44 नजर आ रहा है ऊपर, दोबारा क्यों लिखे, टाइम जाया करें क्यों, 240 और 27। तो भाई वो याद करने के वक्त चीजें थी, तो सीन से लिखते थे, वर्किंग है मर्जी करेंगे, सॉरी WDV आ गई, ठीक है। एंट्री तो कर लें पहले डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 40, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 4, अभी रिवैल्यूएशन हो गई, ठीक है जी। अब रिवैल्यूएशन करते हैं जाके, 31 दिसंबर 15 एक लाइन खाली छोड़कर रिवैल्यूड अमाउंट लिखें, कितनी है, 208 35 का लॉस आ गया, 27 का सरप्लस गया, 8 फिर डेप्रिशिएट तो नहीं करना, साल खत्म हो गया, मेरा सवाल खत्म हो गया, आपका चलता रहेगा घर पे भी। 31 दिसंबर 15 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट बिल्डिंग क्रेडिट 40 और 40 80 से सरप्लस है लॉस है, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट 27, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट 8, बिल्डिंग्स क्रेडिट 35 से ईयर खत्म। 17 तक ये काम कर लेंगे, एक एडिशनल काम इस सवाल के साथ करना है, कल फिर उसको यूज करूंगा मैं आपको प्रूफ करने के लिए कोई चीज। बहरहाल जर्नल एंट्रीज मुकम्मल होंगी, वर्किंग पूरी होगी, तो आपने लेजर्स भी बना लेने, ईयर एंड रिवैल्यूएशन में पहली बार आ रहा है ना, लेजर्स भी बना लेने, उसके बाद फिर आपने होमवर्क वाले 2 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। टेस्ट लाजमी दीजिएगा, वरना कल आने की जहमत ना कीजिएगा।